हेलो गाइस, तो यहाँ तक जो डिज़ाइन को बना लिया गया था, तो इसके जो आगे मैं बताऊंगा, तो आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा किस तरह से जो है फैब्रिक का टेक्सचर कैसे बनाते हैं। तो फैब्रिक का टेक्सचर आप सिंपल जो है फैब्रिक टेक्सचर बनाने के लिए सिंपल आपको टेक्सचर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है उस मटेरियल में लेकर उसको बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और स्किप करके ना देखिएगा, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली जो वीडियो है वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बेड है, इसका फैब्रिक टेक्सचर बनाना है। तो सिंपल आप जो है मटेरियल में यहाँ पर ओपन करा लेंगे, मैट एम प्रेस करेंगे। ओके, यहाँ से मैं जो है मटेरियल को ले लेता हूँ। तो ये फिजिकल मटेरियल है, तो यहाँ पर मैं इसको वीरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है यहाँ से इसको जो है वीरे ले लेते हैं, और यहाँ से वीरे मटेरियल है, वीरे मटेरियल को ओपन करा लेंगे। ओके, ये देखिए वीरे मटेरियल बन गया। अब सिंपल जो है इसको टेक्सचर बनाना है, फैब्रिक टेक्सचर आपको बनाना है। तो सिंपल जो है आप कहीं से, जैसे गूगल से या पिंट्रेस से, आप सबसे बढ़िया है पिंट्रेस से जो है यूज करिए, वो बेटर है। तो आपको पिंट्रेस से बहुत बढ़िया बढ़िया आपको जो है टेक्सचर मिल जाएगा। तो जो है पिंट्रेस से आप जो है फैब्रिक टेक्सचर करके आप जो है सर्च करेंगे, तो जितना भी तमाम यहाँ पे फैब्रिक रहेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं फैब्रिक टेक्सचर को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है जनरल में आना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बिट मैप आ रहा है। तो बिट मैप पे आपको क्लिक करना है, बिट मैप पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन पे आ जाना है, यहाँ से मैं लोकेशन पे आ जाता हूँ डाउनलोड में। ये देखिए ये दो टेक्सचर जो है डाउनलोड किया हूँ, एक ये है एक ये। तो इसको जो है मैं ये पिंटरेस्ट से ही मैं डाउनलोड किया हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ ये टेक्सचर का ये मटेरियल जो है यहाँ। अब सिंपल यहाँ पर जो है ये असाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये टेक्सचर लग गया, बट यहाँ पे जो रियलिज्म है वो आपको लगा लेने के लिए, आपको टेक्सचर बनाने के लिए सिंपल जो है ये पैरामेट्रिक जो है इसको बेसिक पैरामीटर को ऑफ करिए और मैप को ऑन करिए, और यहाँ से जो है ये बम्प मिलेगा। ओके, तो बम्प में यहाँ से हम इसको, इस टेक्सचर को सीधे यहाँ पर बम्प के, नो मैप है तो इसमें आपको छोड़ देना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन पूछेगा, तो कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, ये जो है यहाँ पर बम्प दिखेगा, हल्का सा यहाँ पर फर दिखेगा। ओके, और सॉरी यहाँ पे बम्प दिखेगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप टेक्सचर को यहाँ पर ले लेना है। अब यहाँ से देखिए ये टेक्सचर यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, तो इसको जो है UVW मैप को अप्लाई करना पड़ेगा स्केल करने के लिए, इस टेक्सचर को यहाँ पर सेट करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है इस टेक्सचर को यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर जो है UVW मैप को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लॉथ है, इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो ये चैम्फर बॉक्स है, इसमें जो है यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट में हम यहाँ पर सर्च करेंगे UVW मैप, यहाँ पे सर्च करेंगे। ये देखिए यहाँ पे UVW मैप आ गया। अब सिंपल देखिए यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है, विड्थ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है। इसी से आपको जो है इसमें खेलना है, और यहाँ पर आप जो है इसको जिस तरह से आप यहाँ पर घटाए बढ़ाएंगे तो आपका ये जो है टेक्सचर यहाँ से ये देखिए घटे बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे अल्ट क्यू करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, हटाते हैं। अब यहाँ से जो है ये देखिए हाइट है, तो हाइट में यहाँ पर मैं इसको ये छेड़ता हूँ, तो यहाँ पे हाइट में इसको यहाँ पे इस तरह से रखते हैं। ओके, और यहाँ पर ये विड्थ है, विड्थ को आप यहाँ पे एडजस्ट करना है, जिस तरह से यहाँ पे आप जो है विड्थ को यहाँ पर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, यहाँ से कर सकते हैं। और लेंथ है, यहाँ से लेंथ को यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर ये सही है। ओके, और इस तरह से जो है आप टेक्सचर को जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेक्सचर यहाँ पे मिल नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइट में देखिए यहाँ पर ये टेक्सचर मिलाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, एक्स वाई डायरेक्शन, यहाँ पे एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगा। आप जो है यहाँ से भी आप क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं टेक्सचर को। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, तो ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर सही दिख रहा है टेक्सचर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है सेट करके आप जो है अप्लाई करके देख सकते हैं जिस पे आपको टेक्सचर आपका बेटर दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पर आप टेक्सचर अप्लाई कर लेंगे,
और यहाँ से जो है अनलॉक करते हैं, लॉक ऑल, वॉल को हाइड करेंगे इस तरह से, यहाँ पर जो टेक्सचर को बना देंगे। और यहाँ पर भी इसमें भी टेक्सचर अप्लाई करना है सिंपल, यहाँ पर जो है ये दूसरा यहाँ पर ले लेना है टेक्सचर, यहाँ पे आएंगे ये टेक्सचर लेते हैं और यहाँ से जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पर ये करना है तो यहाँ पे ये कर लें सिंपल, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जितना भी ये कुशन दिख रहा है बेड बैग का, तो इस पे यहाँ पर लगाना है, इसको टेक्सचर लगाना है, तो सिंपल इस पे भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जितना भी यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया तो इसको डिसलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अल्ट प्रेस करिए। डिसलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अल्ट प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से अनसेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आइसोलेट करने के लिए आपको अल्ट क्यू प्रेस करना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये जो बेड बैक का यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट। ओके आइसोलेट करते हैं, ये देखिए हो गया। अब यहाँ से जो है हम ये लगा के देखते हैं, ठीक है, तो ये जो बेड पे लगा है वही हम लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है। ओके अगर यहाँ पे टेक्चर यहाँ पे सही लगा है तो यहाँ पे रहने देंगे, बट यहाँ पे टेक्चर जो है सही नहीं लगा है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सही नहीं है इसका UVW मैप अप्लाई करेंगे। ओके यहाँ पे मॉडिफाइड लिस्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है UVW मैप। ओके और यहाँ पे हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है लेंथ डायरेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, वाई डायरेक्शन सॉरी यहाँ पे लेंथ है और विड्थ है, इस तरह से सेट करेंगे। तो ये टेक्सचर ठीक है, अब सही लग रहा है देखने में। ओके तो इस तरह से जो आपको जो है सेट करना पड़ेगा, आपको स्केल करना पड़ेगा। ओके और इसका जो है यहाँ पे बम्प यही कर दिए हैं। ओके सही है, अब यहाँ पे इसको जो है अनलॉक करते हैं, वॉल को सेलेक्ट करते हैं, हाइड कर। अब यहाँ पे देखिए फ्लोर पे यहाँ पे टाइल लगाना बाकी है, तो टाइल लगा लेते हैं, तो टाइल का टेक्सचर यहाँ पे जो है सिंपल ले लेते हैं, मॉडिफाई लिस्ट में आएंगे, वीरे में यहाँ पे वीरे मटेरियल यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ से डिफ्यूज के ऑप्शन में यहाँ पर जन बिट मैप पे आएंगे, और यहाँ पे टाइल का टेक्सचर ले लेते हैं, ये टेक्सचर है। ओके वो पे करा लेंगे, अब यहाँ से इसको असाइन करेंगे, ये देखिए टाइल लग गया। ओके अगर यहाँ पे इसका भी स्केल आपको सेट करना है तो UVW मैप अप्लाई करेंगे तरह से, और इसको आइसोलेट करेंगे अल्ट क्यू प्रेस करते हुए, इस तरह यहाँ पे हो गया। और ये बॉक्स पे लेते हैं इसको, और यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ को, जैसे हमारे यहाँ पे टाइल जो है टाइल का साइज यहाँ पे 2x2 का है, तो यहाँ पे 600 यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये फिट में ही हो रहा है तो 2 फिट लेंगे, और यहाँ पे विड्थ जो है विड्थ में भी यहाँ पे 2 फिट लेंथ में और विड्थ में, देखिए यहाँ पे हो गया। ओके अब यहाँ पे टॉप व्यू में जाकर यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये जो रेक्टेंगल है इसको एक बार क्लिक करना पड़ेगा UVW मैप पे, और यहाँ से जो है आपको इसको रेक्टेंगल जहाँ पे बना हुआ है उसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इस तरह से, देखिए सेट हो गया। ओके अगर यहाँ पे आपको टेक्सचर यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है तो सिंपल आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे सेम जो यहाँ पे दिख रहा है डुप्लीकेट दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं।
यहाँ पे 4 फिट करते हैं, यहाँ पे भी 4 फिट कर देते हैं, और इसको जो है पर इस तरह से रखते हैं, इस तरह से जो है फिट करके देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है ये सेटिंग कर लेना है, मटेरियल का रिफ्लेक्शन जो है यहाँ से हल्का सा इंक्रीज करना है, रिफ्लेक्शन जो है ये रिफ्लेक्शन जो है इसको नहीं छेड़ना है, यहाँ पे बस रिफ्लेक्शन को यहाँ पे बढ़ा देना है। ओके, ये जो है टाइल जिसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करें, और यहाँ से जो है ग्लोसीनेस हल्का से दे देना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ग्लोसीनेस में यहाँ पे रख देते हैं, पॉइंटेड बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। ओके, तरह से जो है यहाँ पर बना लेंगे, हो गया रखते हैं। बॉल को हाइट, तो गाइस यहाँ पे जो है जितना भी ऑब्जेक्ट है ये मटेरियल यहाँ पे लग चुका है। बॉल भी लग गया यहाँ पर, बॉल सीलिंग में यहाँ पे लाइट भी लग गया है, तो आईएस लाइट यहाँ पे लगाना है, और जो है रेंडर करना हम बाकी है, चेयर भी यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पर जो है चेयर यहाँ पे हम यहाँ से जो है डाउनलोड करके आप जो है लगा भी सकते हैं, या जो है मॉडल को आप जो सिंपल चेयर मॉडल यहाँ पे फ्री में मिलता है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाए। ओके, तो यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके आप सिंपल अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।